हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सबका इस खूबसूरत शाम में एक बार फिर से स्वागत है। सर थोड़ा मुझे गोरा कर दीजिए आप प्लीज़ इनसे। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, आप सबके पास आवाज़ आ रही है, आई होप क्लियर होगा सब कुछ। यस गुड इवनिंग एवरी वन, गुजर बॉय अपेक्शन फर्स्ट लाइक। चलो बहुत अच्छी बात है। जी एस ग्रुप गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। एंड अनु कुमार गुड इवनिंग सर, पूजा बिजानिया गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अशोक कुमार, अनु कुमार, गरीबात गर्विता शेखावत, अशोक कुमार जी गुड इवनिंग सर, नमस्कार आपको, बिल्कुल गुड इवनिंग। किरण झुंझाड़िया गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे मेरी विनती है कि एक बार आप शेयर कर दें, उसके बाद हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। यस किरण यादव गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। अशोक जी सर कहाँ हैं आज? किरण झुंझाड़िया बेटा आज अशोक जी सर नहीं आए, अशोक जी सर की जगह हम आगे थोड़ा काम हो गया था सर, कुछ ले हो गए। साई सिंगाटिया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हंस यादव गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। जमीर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप फटाफट आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, FB, जो भी टेलीग्राम, जितने भी आपके अकाउंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट, सहपाठी, मित्र, सबके पास शेयर कर दिया ना, उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैं भी शेयर कर देता हूँ और आई होप सभी अच्छे होंगे, क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। हर्षिका एंड यक्स थर्ड ए यादव गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। आशीष चौधरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल गुड इवनिंग। मैंने शेयर कर दिया है, अब आई होप आप भी अच्छे कर देंगे शेयर, उसके बाद हम हमारी क्लास को रूटीन पे लाते हैं। और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है अपेक्स डिज के एग्रीकल्चर सवाल जवाब के 33वें नंबर के एपिसोड में। आज हमारा 33वां नंबर का एपिसोड है, 1 महीना और 3 दिन हो गए हमारा एपिसोड कंटिन्यू चलते हुए। आप सबका इतना प्रेम मिला, उस सबके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। राकेश यादव गुड इवनिंग सर, बबलू गोस्वामी गुड इवनिंग एवरीवन, बिल्कुल गुड इवनिंग एवरीवन जी। बबलू सर, अंकित राठौड़ गुड इवनिंग सर, बिल्कुल। चलो इसी के साथ मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि देखो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अपेक्स स्टडीज, आप सबका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। जय अपेक्स, बिल्कुल जय अपेक्स भाई आशीष। और ये अपना ऑफिशियल ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके अपेक्स स्टडीज नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपके फ्री ऑफ टेस्ट मिलेंगे आपको प्रीवीजी एग्जाम के लिए, तो आप वहाँ जाके कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपके कोई इशू आता है तो आप 9829990411 जो आपके पिन में मैसेज कर दिया, अभी जब पिन मैसेज कर दिया जाएगा उसके अंदर आप मैसेज कर देना अगर कोई इश्यू होता है तो। और अदरवाइज आप सबको पता है कि आपकी क्या हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई है, जेट की बात कर ले चाहे प्रीपीसी की बात कर ले, जो एंट्रेंस एग्जाम लगने वाली थी, तो आप सबके पास एक सुनहरा मौका है। मैं वो कहते हैं ना, वादा नहीं करता, मैं दावा कर सकता हूँ कि ये जो टाइम है ना वो आपके लिए गोल्डन टाइम है, कि इससे बेटर टाइम कभी भी नहीं मिल सकता। जो प्रीपीसी के बच्चे हैं, जो जेट के बच्चे हैं, बिल्कुल। और यदि जिन बच्चों ने अभी कोर्स परचेज नहीं किया, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं प्रीपीसी का, बिल्कुल वाजिब रेट, आपको रेट और भी सस्ती मिल सकती है। ऐसी बात नहीं कहता कि मैं आपको सबसे सस्ता कोर्स हमारा मिलेगा, नहीं, बट सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमारा, बिल्कुल उस चीज़ में मुझे कोई संदेह नहीं, संदेह मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोर्स हमारे बिल्कुल यहाँ मिलेगा। विनीत यादव गुड इवनिंग सर, देवीलाल राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। फ्री टेस्ट है ना? बिल्कुल बेटा फ्री टेस्ट है। गुड इवनिंग अपेक्षियन, बिल्कुल गुड इवनिंग। सलमान खान नमस्कार जी। अंशु गुड इवनिंग गुरु जी। राम सिंह हेलो, बिल्कुल हेलो एवरीवन। और इसी के साथ आज का मोटिवेशनल कोट आपके बीच में लेके आता हूँ मैं कि रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत होकर सब कुछ अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही बात कही है कि रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, थोड़ी आगे बढ़ने की हिम्मत होकर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जगाओ। आपके अंदर क्या एबिलिटी है जो भगवान ने दी है, जो यूनिक है, कि तो आपके अंदर जो चीज़ है वो दुनिया में किसी आदमी में नहीं, क्योंकि आपका DNA किसी से मैच नहीं खाता, बिल्कुल मानते हो ना ये बात। तो जो आपके अंदर जो यूनिक है ना वो किसी से मैच नहीं करती, दुनिया में सबसे यूनिक हो, बस उस चीज़ को पहचानो कि आपके अंदर है क्या, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी मंजर भी अच्छी होगी, रातें भी अच्छी होगी, मेहनत भी अच्छी होगी, क्योंकि संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है, दैट्स राइट, ये सब बात है बिल्कुल। सोन चौधरी हेलो सर जी, बिल्कुल हेलो। प्रीति चौधरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। आशीष चौधरी नाइस सर, बिल्कुल बेटा धन्यवाद, आप सब एक बार शेयर करके आ जाए फटाफट, उसके बाद हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपके बीच में मैं तुरंत हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। अंकिता राज गुड इवनिंग सर। राम सिंह जी बिल्कुल नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा यही मानना है कि ये मंजर अच्छा होगा ना, तो ये मंजर अच्छा यही होगा बेटा कि आपका अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, आप तैयारी उसी आप जिस रूटीन से पहले करते उसी रूटीन के साथ आप तैयारी करें, क्योंकि अगर बीच में छूट गया तो बेटा आप मौका चूक सकते हैं।
अगर आपको ये चाहते हो ना कि जिंदगी के सपने पूरे हों, मुझे ये कॉलेज मिले, मुझे ये सब्जेक्ट मिले, एमएससी वाले बच्चे ये चाहते हैं, जेट वाले बच्चे कहते हैं मुझे वो यूनिवर्सिटी मिले, तो बेटा यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको, ये मेरा दावा है। पर बशर्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रातें काटनी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोल्डन टाइम दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर 11 जुलाई को लगता बहुत से बच्चे होपलेस हो गए थे कि सर हमारी तैयारी नहीं हो रही, बेटा अब आपके पास मौका है, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बिल्कुल आप एक बार शेयर कर दें मैक्सिमम, और लाइक बटन को शेयर कर दें। थैंक यू राठौर, गुड इवनिंग सर, सर बहुत अच्छी क्लास होती है, विनीता यादव थैंक यू बेटा, आप सबका स्वागत है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो इसी के साथ मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आता हूँ कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पपायज फाउंड इन विच स्टेट, की पपीता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, नंबर दो महाराष्ट्र में, नंबर तीन आंध्र प्रदेश में, नंबर चार कर्नाटक में। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन हैं, नंबर एक उत्तर प्रदेश, नंबर दो महाराष्ट्र, नंबर तीन आंध्र प्रदेश, नंबर चार कर्नाटका। तो फटाफट बता दो, मौके पे चौका मारना आना चाहिए, बिल्कुल दुर्विश देसाई, दुर्व देसाई, बिल्कुल बेटा यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपको मौके पे चौका मारना आ गया। इसका मतलब आप आपके टारगेट को, आपकी जो शोहरत है, जो शिखर है ना, उसको पाने में दूर ज़्यादा समय नहीं लगाओगे, उसको पाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको। सी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ बच्चे आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र बता रहे हैं। लोकेश गुजर जी ने डी बताया है, पूजा बिजाने आंध्र प्रदेश, सोनू तीन जाट, पवन कुमार आंध्र प्रदेश, अनु सी जाट ध्रुव महाराष्ट्र, विकास यादव शामो तीन शंपति आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देख लिया जाता है, एस के ने चार बताया है, आशीष शिमू तीन, केबीडी मीडिया तीन, अंजना चौधरी तीन नंबर। बिल्कुल बच्चों के आंसर आना यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैं नोट कर पाऊँ। और मुझे लगता है प्रियंका, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, ज़्यादातर जो रुझान है बच्चों का वो तीन नंबर की तरफ जा रहा है। मैं अपना आंसर किस तरफ ले जाऊंगा? शिवा पटेल, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, टू शेयर एंड सब्सक्राइब, बिल्कुल प्लीज हिट द लाइक बटन, एक बार लाइक बटन को शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, बिल्कुल आप एक बार लाइक बटन को दबाना नहीं बोले, दबा दो उसका अंगूठा है ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आंध्र प्रदेश की ज़्यादातर ज़्यादा मत आंध्र प्रदेश के हैं, कुछ बच्चे महाराष्ट्र भी की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना भाई कि सबसे ज़्यादा जो पपीता का प्रोडक्शन होता है ना, वो आंध्र प्रदेश का होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की जब बात की जाती है, हमारे हिंदुस्तानी जी ने बी का बताया, सोनू चौधरी ने सर सी को लो कर दो, ठीक है बेटा सी को लो कर दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? ऐसे कहते हैं ना बनाना की प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टेयर उत्पादन, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है कि प्रति हेक्टेयर आपका उत्पादन होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होती है? बनाना की। इसी के बाद में अगर नंबर आता है कोई सी क्रॉप का, तो पपाया का आता है। तो इतना याद रखना आप कि जो बनाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बनाना की होती है, उसके बाद में पपाया की होती है। तो याद रखना, नंबर एक पे बनाना आएगा, नंबर दो पे पपाएगा। प्रोडक्टिविटी सब जानते हैं, पर हेक्टेयर उत्पादन आंध्रा, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट विनीता यादव बेटा। चलो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। आज हम फास्ट करेंगे। बच्चे कहते हैं कि सर आप स्लो करवाते हो, स्लो नहीं, आज देखना हमारी राजधानी एक्सप्रेस बनेगी ना, सारी एक्सप्रेस बना देंगे, कौन कौन सी स्पीड वाली चलती है। पर यूनिट एरिया, एरिया नहीं एनसू बेटा, पर यूनिट प्रोडक्शन, एरिया नहीं बोल सकते आप उसको, प्रोडक्शन बोल दो, वो आपके लाइन से है। सुन यादव, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग बेटा, आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। नेक्स्ट वन है, रेशियो फीमेल एंड मेल इन पपाया गाइनोडाइसिस वैरायटी, कि पपीता की गाइनोडाइसिस किस्म में नर और मादा का अनुपात कितना होता है? 1:10 होता है, 10:1 होता है, 20:1 होता है, या कोई नहीं होता? तो मुझे लगता है सब बच्चों को आता है यहाँ पे, ए आंसर आ रहा है। जैसा कि मैं देखा, नीतीश सांकला ने बी बताया, संपत्ति ने डी बताया है, यहाँ पे पूजा बिजानिया ने ए बताया, दीपिका यादव ने एक बताया, राजा राम टोक ने एक, निशा नेहरा दो, बी बी दो, एक एक। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों का सही है, और मुझे यहाँ थोड़ी सी मामूली सी हंसी आई है, मैं क्या मान सकता हूँ इसको, एक होगा शहर। ओके भैया, आपकी बात मान ली जाती है, एक मान लिया जाता है यहाँ पे, जैसा आप कहते हो मैं मान लेता हूँ। 1:10, 1:10, क्या बात है, बच्चे इंटेलिजेंट है, एक को लो कर दो सर जी। मारवाड़ा चौधरी, मारवाड़ी चौधरी कह रहे हैं, बी बता रहे हैं यहाँ पे, सी सर फीमेल 10, ओके जी लोके। और मैं इतना बता दूँ, एक बच्चे का सही है, उसका नाम है शंपत यादव, हेड्स ऑफ बेटा है, एक जोना शर्मा, क्या बात है, इस बच्चे ने भी खुद का माइंड काम किया है, चलो बहुत। और यहाँ हमारे देश में हमारी बच्चियाँ आगे जा रही है ना, समानता का अधिकार है, फिर भी बच्चियाँ आगे जा रही है। शंपति और जोना शर्मा दो बच्चियों ने बताया यहाँ पे, और उसके बाद में सीमू यादव ने आंसर दिया है, ध्रुव देसाई ने नंद दिया है, बाद में चेंज होने लगे यहाँ पे, कुछ कुछ चेंज होने लगा है, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई है, है ना। बी को लो किया जा रहा है, डी बता रहे हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर आपको नया क्वेश्चन लगे तो फिर शेयर करके आना। चलो देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो भैया, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता ही हो, ये जरूरी है कि आपका क्वेश्चन कैसे आया,
ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तभी गलत होगा, ये भी जरूरी है कि आपको क्वेश्चन आता है फिर भी गलत हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ है। अब देखिए कैसा हुआ है। चलो देखो, मैंने पूछा है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। आप सबको पता है कि मेल फीमेल 10% ओनली मेल रखते हैं, सबको पता है, पर इतना भी तो सोचो कि किसके अंदर रखते हैं, ओनली डायसियस में रखते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है, गायनोडायसियस लिखा है। गायनोडायसियस में मेल की जरूरत होती है क्या? कभी नहीं होती। गायनोडायसिस में होती है क्या? नहीं होती। तो आपका आंसर क्या रहेगा? नन्हे। अगर आपको सीधा पूछता कि पपीता में नर और मादा का रेशियो कितना रखते हैं, तो आप जरूर बताते कि नर और मादा का 1:10 रखते हैं। यदि आपसे पूछता कि पपीता में डायसिस वैरायटी का किसका रखते हैं, तो आपका 1:10 आता। आपको गायनोडायसिस पूछा है तो आपको हंसी छूट रही है। बहुत से बच्चे हंस रहे हैं, कुछ तो हुआ है। सोनू चौधरी याद आया अभी, प्रीति चौधरी, कोई बात नहीं, सुमन यादव ने 2 बताया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, 9 पास रहेगा ना, तो कम्प्लीटली फीमेल, यस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक बार शेयर करके आ जाएं, लाइक कर देना इस बात पे। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़े बेटा, ये जरूरी नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आता है फिर भी गलत करते हो, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते, जल्दी करनी रहती है। चलो, खेती महकमा ने एक आंसर दिया है ना, खेती महकमा जी आपकी खेती नहीं महक रही है, थोड़ा सा ध्यान दे पेपर पे, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उसके बाद में आप करें, बिल्कुल डोंट वरी। आप लोगों को मैंने चेतावनी के लिए एक क्वेश्चन दिया ऐसा, अब आप याद रखिए, कभी भी ऐसा आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा सा सोच के आंसर करना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, सीड्रेट ऑफ गायनोडायसियस वैरायटी ऑफ पपाया, कि पपीता में जो स्त्रीलिंग की किस्में होती है उनके लिए बीज दर कितनी होती है, 250 से 300 ग्राम, 500 से 700 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, या फिर 1/3 दोनों, 250 से 300 ग्राम और 400 से 500 ग्राम दोनों होती है क्या? चलो कोई बात नहीं, बच्चों को हंसी आ रही है, हेलो शेयर इट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर जिन बच्चों का गलत हुआ है, जिनको आता था जिनका गलत हुआ है, वो शेयर करके आए, उनके लिए पनिशमेंट है मेरी तरफ से, है ना, तो बिल्कुल आप डोंट वरी, और आप अच्छे से आंसर करें। जैसा कि बच्ची संपत्ति का आंसर आया, 1 राजा राम टोक, 1 बी 1 1 डी, चलो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बताएंगे, मुझे उम्मीद है आप गलती नहीं करेंगे, बच्चे आप बहुत समझदार हैं। चलो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे फटाफट भी आंसर करवाने हैं, पर गलत मत करो, गलत करते टाइम लग जाता है, है ना। जैसा 1 1 1, मुझे एक की तरफ जाना पड़ेगा, लॉक कर दो भाई, कौन कर रहा है लॉक, फटाफट 250 से 300 ग्राम। शाही सिंघाटिया ने बता दिया, आशीष चौधरी ने आंसर उजागर किया, विनीता यादव ने बताया, जमीर ने बताया, 1 को लॉक, ठीक है बेटा 1 को लॉक कर देता हूँ, जैसा कि आप बता रहे हो तो 1 को लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक बच्ची ने बताया, नीतीश शांकलानी सी भी बताया, गुरुजी बहुत अच्छा, राग से बोलते हैं अपन, शू अरे भैया बस राग रहने दीजिए, कर दिया सर शेयर, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो, गायनोडायसियस वैरायटी और डायसियस वैरायटी, आपके पास 2 चीज़ें हैं, तो देखो गायनोडायसियस और डायसियस, सिंपली तो आपका जो गायनोडायसियस की सीड रेट कितनी होती है, 250 से 300 ग्राम, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, कि गायनोडायसियस की सीड रेट कितनी होती है, 250 से 300 ग्राम, और आपकी जो डायसियस होती है, इसकी क्या होती है, 400 से 500 ग्राम, तो 400। हाउ आर यू अजय सर, जी एस एन गुरु, आई एम टनाटन, आई एम फन, अजय सर बिल्कुल बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे हैं, आई होप, उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। 400 से 500 डायसियस। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ बता दूँ आपको समझदारी के लिए, कि आपको यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं देता, गायनोसियस भी नहीं देता और डायसियस भी नहीं देता, सिंपली पता है कि पपाया की सीड रेट कितनी होती है, तो आप डायसियस पे करके आओगे, ठीक है भैया, किस पे करके आओगे, डायसियस करके आओगे, मतलब 400 से 500 ग्राम करके आओगे, अदरवाइज गायनोडायसियस और डायसियस पूछता है तो आप 250 से 300 और इस टाइप से करके आओगे। यार सर शायद उल्टा है, नीतीश साकला, नहीं बेटा, हाँ आपने बता दिया होगा, मे भी हो सकता है 400 से 500। सर गायनोडायसियस क्या बता रहे हैं बच्चे, 400 से 500 क्यों बता रहे हैं, डायसियस में 400 से 500, हाँ तो सही तो है, उल्टा क्या बताया नीतीशा, 400 से 500 डायसियस में, 250 से 300 गायनोडायसियस में, दैट्स इट। चलो कोई बात नहीं, पपाया सीड आर एनक्लोज इन जिलेटिनस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कि पपीता के बीज जो जिलेटिनस पदार्थ से गिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कटिन, उसे कहते हैं जिलेटिन, उसे कहते हैं सर्कोटेस्टा, या फिर सभी, क्या नाम है उनका। गुड इवनिंग अजय सर, कविता यादव, गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल स्वागत है आपका, आइए क्लास में और फटाफट शेयर कर दीजिए ना, क्लास को एंजॉय कीजिए, सही है। प्रीति चौधरी डी, डी बताया है, किस में बताया बेटा डी, कौन से का आंसर आ रहा है प्रीत चौधरी, आप आंसर करा किया करो ना, तो ऐसे किया करो, फोर्थ में ए बी तो मुझे बता रहे, अब बच्चे डी बता रहे हैं तो मैं कंफ्यूज होता हूँ, एक्चुअली किसमें क्या आएगा, सी बताया जा रहा है यहाँ पे, बी बताया गया, एस के संपत्ति ने सी बताया है, पी यादव ने सी बताया है, शंकर जी ने 4 बताया है यहाँ पे, कविता ने 3 बताया है, मतलब सर्कोटेस्टा की तरफ जाना पड़ेगा मुझे लगता है, ईशा नागा ने सी बताया है यहाँ पे, अशोक कुमार जी ने सी बताया है, अंकित राठौड़ जी ने, एक बार फटाफट शेयर कर दो भैया ना,
एक बार हमारा जो टारगेट है 80 का, वो फटाफट एक बार हिट करके आ जाऊँ, उसके बाद हमारे नेक्स्ट नए नए क्वेश्चन मिलेंगे एकदम। कमलकांत सिंह जी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग जी कमलकांत जी, आपको सी सी की तरफ जा रहे हैं। गुड इवनिंग राजवीर सिंह गुजर, बिल्कुल राजवीर सिंह जी गुजर, गुड इवनिंग आपको, बिल्कुल नमस्कार, स्वागत आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तीन क्वेश्चन दोबारा बताओ, थर्ड क्वेश्चन, अच्छा थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं, अगर आपको गायनोडायसिस की पूछता है तो 250 से 300 ग्राम करके आओगे, डायोसिस की पूछता है तो 400 से 500 करके आओगे, यदि सिंपल पपाया की पूछता है उसमें डायोसिस गायनोडायसिस कुछ नहीं देता तो 400 से 500 करके आओगे, सिंपल है बेटा, है ना। तीन को लॉक कर दो सर जी, यस अगर आप कहते हो तो मैं तीन को लॉक कर देता हूँ। और तीन का मतलब सर्कोटेस्टा, सर्कोटेस्टा जानते हो ना, सर्कोटेस्टा क्या होता है कि जैसे पपीता का आपने देखा होगा, पपीता के अंदर वो जो अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ पे, यहाँ पे जो बीज है और बीज के जस्ट ऊपर वो एक लेयर सी बनी होती है ना जिलेटिनस का, तो पदार्थ उसको सर्कोटेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कोटेस्टा, ये सबको पता है, दैट्स इट। चलो सर थोड़ा जल्दी पढ़ाया करो, महादेव का लाडला ले भैया, और जल्दी कर देता हूँ मैं। नर्सरी टाइम फॉर पपाया, पपाया की नर्सरी का समय कितना है, आप फटाफट आंसर कर दो। 100% अच्छा 100% है, चलो बहुत अच्छी बात है। तीन को लोग, बट मेरा तो, मैंने तो 150 पढ़ा है। नहीं नहीं बेटा, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, आप उसको चेंज कर लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका आंसर कर दो फटाफट। पपीता की नर्सरी का समय है 2 वीक, 1 ईयर, 4 वीक, 8 वीक, 2 सप्ताह, 1 साल, 4 सप्ताह या 8 सप्ताह। सी आंसर है, सी को लोग किया डायरेक्ट राहुल जी ने, इनका कॉन्फिडेंस देखिए। मैना मीणा ने सी बताया, अशोक कुमार ने, अंकित राठौर ने, शंपति ने सी बताया, सोनू चौधरी ने 3 बताया, राजा राम टॉक 4, मतलब 8 वीक बताया यहाँ पे। ओ माय गॉड, बच्चे सी को लोग कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, व्हाट हैपेंड अबाउट दैट, 4 वीक, 8 वीक। चार 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 आंसर आने लग रहे हैं बच्चों के। सर फोर्थ का आंसर बताओ, गर्विता शेखावत बेटा, फोर्थ का आंसर, फोर्थ क्या था क्वेश्चन, सर्कोटेस्टा बोलते हैं फोर्थ को, सर्कोटेस्टा बोला जाता है ना, लिखा है मैंने सर्कोटेस्टा वहां पे, बिल्कुल 8 वीक। तो याद रखें कि आपके जो इसमें नर्सरी का जो टाइम है पपीता के लिए वो आपके 8 वीक, या आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कई जगह 2 मंथ, है ना, तो 2 महीने की बात कर लें या 8 वीक, 8 सप्ताह बताएं चाहे 2 महीने बताएं, दोनों आपके राइट आंसर है, ठीक है। तो 4 वीक नहीं होगा, जो बच्चे 4 वीक बता रहे हैं वो आपका गलत आंसर है, 8 वीक होगा, 2 सप्ताह वो 2 महीने या फिर 8 सप्ताह का टाइम लगता है, 2 मंथ 8 वीक, साई सिंगाटिया ने बताया बिल्कुल बेटा कि 8 वीक आपका राइट आंसर होगा, 2 मंथ आपका राइट आंसर है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कि विच वन इज नॉट गायनोडायसिस वैरायटी ऑफ पपाया, की पपाया की पपीता की कौन सी गायनोडायसिस किस्म नहीं है, पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलिशियस, कुर्ग हेनिड्यू या पूसा जाइंट। आपके पास 4 ऑप्शन है, डैम्पिंग ऑफ प्रीति चौधरी, बेटा डैम्पिंग ऑफ ये कहाँ गया, क्वेश्चन आएगा डैम्पिंग ऑफ का, डोंट वरी बी पेशेंस। बस इसी के साथ आप तो 8 वीक को लॉक किया जाए, बिल्कुल बिंदास बेटा, 8 वीक को लॉक कर दिया गया, 8 वीक को लॉक कर दिया गया है, नो डोंट वरी। नितिशे सांकला ने सी बताया यहाँ पे, कौन से पपीता गायनोडायसिस नहीं है, पूसा मेजेस्टी नहीं है, पूसा डेलिशियस नहीं है, कुर्ग हेनिड्यू नहीं है या पूसा जाइंट नहीं है, यहाँ पे 4 बताया जा रहा है। ओ नो, हेमलता ने डी बताया, ज्यादातर बच्चे डी, राहुल ने सी बताया यहाँ पे, क्या बात है, किरण ने डी बताया, शंपति ने डी बताया, पुखराज ने पूछा जॉइंट बताया यहाँ पे, महादेव का लाडला क्या बात है, लाडले पूछा जॉइंट, पूछा जॉइंट आ रहा है। शेयर इट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके पास शेयर करके आ जाएं, पूछा जॉइंट को लॉक कर दिया जाए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पूछा जॉइंट, इसका मतलब पूछा जॉइंट पे मुझे जाना ही पड़ेगा, पूछा जॉइंट आपके राइट आंसर है। कि कुर्ग हेनिड्यू की देखो आपने पढ़ लिया है, आपने अच्छे से पढ़ा, इसका मतलब मुझे खुशी हुई कि नोट पढ़ा है, क्योंकि नोट का मैं हमेशा बताता हूँ कि नोट हमेशा किस में आता है, पूछा जॉइंट डायसियस और कुर्ग हेनिड्यू हर्मोफ्रोडाइट है, बेटा वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल का हो गया ना नितिशा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं मानता हूँ कि आपका सही है, पर वो इतना लेवल इन बारी वाले बच्चे के जेट में नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में आपके साथ हमने स्पेशल हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट आपके साथ दे रखे हैं, बबलू जी गोस्वामी, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, मुझे कोई संदेह नहीं है। अभी आपका राइट आंसर क्या होगा, पूछा जॉइंट, आपको पता है ना ट्रिक तो क्या होती है इसकी, डी एम सी सी टी एस एस आर, है ना, यही होती है कि पूछा डेलिशियस, पूछा मेजेस्टी, कुर्ग हेनिड्यू, इसके बाद में CO3, ताइवान, सनराइज सोलो, सूर्या और रेड लेडी, ये सारी गायनोडायसिस है, बाकी सारी डायसियस हैं। तो आप इस ट्रिक को अच्छे से याद रखें,
आई होप आपको आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो इसी के साथ नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। मोस्ट सीवियर डिजीज ऑफ पपाया नर्सरी, कि पपाया पपीता नर्सरी की सबसे गंभीर बीमारी कौन सी है? पपाया लीफ कर्ल, पपाया मोजेक, डैम्पिंग ऑफ या सभी? सर पिका रोग किसकी कमी से होता है? फॉस्फोरस। विष्णु जी एनिमल सेवेंट्री का है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सर डी को लो कर दिया, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट राहुल जी, डी को लो कर दिया, महेंद्र मीणा जी ने डी बताया यहाँ पे। चलो यहाँ पे पपीता के सबसे जो सीवियर डिजीज है पपाया लीफ कर्ल, जिसको पपीता का लीफ कर्ल बोलते हैं, पत्ती कुंचन कुछ बोलते हैं, पपीता मोजेक बोलते हैं, इसके बाद में डैम्पिंग ऑफ, इसी के नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको पादगलन भी बोला जाता है, इसको फुटरोट भी बोला जाता है, ठीक है? तो पादगलन, फुटरोट या कोई भी नाम आ जाए, डैम्पिंग ऑफ, ये सारे इसी के नाम है। पपाया मोजेक, मोजेक बोलते हैं, इसको पत्ती कुंचन बोला जाता है ना, ऐसा कुछ पत्ती कुंचन करके, जैसा कि मैं दे रहा हूँ। तीन को लोग किया था डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ। हेलो एवरीवन, शेयर इट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अतुल सर कह रहे हैं बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिए आप, हमारे टारगेट के पास भी जाना है हमें नियर बाई। कविता ने तीन बताया यहाँ पे, जाटफोन फॉर्म आज तीन बता रहे हैं, ओके बहुत अच्छी बात है, महादेव का लाला सी। चलो तो आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या है, डैम्पिंग ऑफ। क्या है भाई? डैम्पिंग ऑफ। किसकी वजह से होता है डैम्पिंग ऑफ? एक आपके पीथियम अफेनिडर्मेटम आना, यही होता है इसका रोग कारक, पीथियम अफेनिडर्मेटम। तो ये रोग कारक भी आपको नाम याद रखना है इसका, कि आपका जो रोग कारक है उसका क्या नाम है, पीथियम अफेनिडर्मेटम। कभी आपको पूछ ले बाई चांस, अगर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता है कि जो डैम्पिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, तो पीथियम अफेनिडर्मेटम आपका राइट आंसर होगा। पादगलन, फुटरोट, इसी के सारे नाम है डैम्पिंग ऑफ के, नर्सरी में लगता है बस। बिल्कुल पीथियम अफेनिडर्मेटम, जैसा कि साई शिंगाटे ने बताया, बस यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। हाँ, सोयल बोर्न डिजीज। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि हाउ मच विटामिन ए कंटेंट इन पपाया फ्रूट, कि पपीता के फल में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? 299 IU इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम, 2020 IU पर 100 ग्राम, 4800 IU पर 100 ग्राम, 600 IU पर 100 ग्राम, कितनी होती है विटामिन ए के कंटेंट की मात्रा? शायद टाइम कम लो राम सिंह जी, और क्यों ना बंद करवा दूंगी क्लास, बताओ हैं कितना कट सकता है, इनकम करूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट दिखा दूँ इसके फीस। चलो दो सर, नर्सरी के लिए डैम्पिंग ऑफ ही होगा, बिल्कुल नर्सरी के लिए डैम्पिंग ऑफ होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट महेंद्र जी, मुझे कोई संदेह नहीं है आपकी बात पे। आठ में दो, जाटवन कुमार जी ने बताया, आठ में दो मतलब 2020, अभी 2020 गई है इसलिए सब बच्चों को बताया है ना। ओ पी यादव जी को नमस्कार, बिल्कुल आइए देवेश गौड़, दो 2020 आयु, बिल्कुल आपका आंसर है जो बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या है? 2020 IU। बाकी सबको बताया कि सबसे ज़्यादा ये किसके अंदर है, ये हमारे मैंगो के अंदर होती है ना। बाकी जो ये दो यूनिट हैं ये भी हमारे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हैं, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो, ये किसकी है? विटामिन सी की। किसकी है ये? विटामिन सी की। ये आपके जो आंवला के अंदर होता है 600 IU, 299 आपके गुआवा के अंदर होता है, ये विटामिन सी होता है। आप थोड़ा सा याद रखना कि विटामिन सी 299 गुआवा में, 600 आंवला में, 4800 मैंगो की होती है विटामिन ए, और 2020 किसके अंदर होती है? पपीता के अंदर, 2020 आयु। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। चलो इसी के साथ राम राम सर जी, चंद्र प्रकाश शर्मा, बिल्कुल राम राम बेटा आइए, है ना। बेस्ट मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन पपाया, कि पपीता में प्रजनन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ग्राफ्टिंग, बडिंग, सीड या फिर सभी? गुरु जी ठीक है, पढ़ाओ ऐसे ही, कोई जल्दी नहीं है, खेती महकमा। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू इतनी तुम, वैसे मैं भी फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। सी 299 अमरूद, बिल्कुल बेटा मिलता 299 अमरूद में होती है। चंद्र प्रकाश राम राम जी, बिल्कुल राम राम बेटा। सर पीथियम फंगस के अलावा और दो फंगस होती है ना डैम्पिंग ऑफ के लिए? वेद प्रकाश जी हाँ जी, डैम्पिंग ऑफ के लिए और भी फंगस होती है, बहुत होती है, उनके बताएंगे है ना। पर इसमें तो यही होती है पीथियम स्पेशल है इसकी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तीन आंसर आ रहे हैं सर, हैं यहाँ हैं, खुशबू कुमावत ने तीन दिया है यहाँ पे, नारायण ने तीन दिया है, महादेव का लाड़ा ने, दीपिका रानी सोनी ने तीन दिया है, सी को लॉक कर दिया जाए। ओके जी, तो आपके जो सर्वोत्तम विधि है सीड है, किसी को मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि बच्चों के आंसर आ रहे हैं इसका मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एडिबल पोर्शन ऑफ पपाया, कि पपीता के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? हम हमारे टारगेट के नियर बाई हैं, आप एक बार फटाफट शेयर कर दें। चलो जो इसका एडिबल पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? एंडोकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प या एक्टोकार्प?
कि जिसमें खाने योग्य भाग है वो कौन सा है इसका, सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। चलो नितिशा सांखला ने बी बताया सबसे पहले ही, उसके बाद में किरण ने भी बताया है, पी यादव ने भी बताया है, राहुल ने शीड, नीतू प्रजापत मिजोकार बी, बी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, अंकित राठौर डी की तरफ गए हैं बी, राजा राम जोरदोक ने तीन बताया, गोपेश कुमारी दो बता रही है यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ आप सबको पता है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी राइट आंसर आपको पता है ना। एक्सप्लेन क्या करता हूँ कि एंडोकार्प आप जानते हो सबसे इनर जो लेयर है वो आपकी एंडोकार्प वाली है, इसके बाद मिजोकार्प जो आपके सेंट्रल में, मिजोकार्प कौन सी है कि जो आपकी इसकी जो इसका छिलका है, इसकी जो आउटर स्किन है उसको रिमूव कर देते हैं, अंदर ही अंदर क्या होता है सर्कोटेस्टा, सर्कोटेस्टा के अंदर बीज होते हैं, तो ये किसका पार्ट हो गया आपके एंडोकार्प का, बीज का बचते हैं कि इसके छिलके को उतारते हैं, अंदर वाले सर्कोटेस्टा के अंदर वाले पार्ट को उठाते हैं, तो बीज का बच गया मिजोकार्प, तो मिजोकार्प हम खाने के लिए काम में लेते हैं, दैट्स इट। चलो इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ लीफ कर लीजिए जो पपाया, कि पपाया के अंदर जो पत्तीकरण रोग होता है उसका वाहक कौन है, एफिड जिसको महू बोला जाता है, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, दोनों या फिर थ्रिप्स। चलो मिजोकार, बिल्कुल मिजोकार, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम हमारे टारगेट के नियर बाई गए थे और वापस आ गए, बिना टारगेट को मौत को टच करके वापस आ गए फटाक से, क्या बात है, उसकी भी अलग ही अंदाज है। यहाँ सबसे पहले नितिशा शांकला का फिर से बी आंसर आया है, व्हाइट फ्लाई आंसर आया है। चलो पी यादव ने बी बताया, अंजना चौधरी बच्ची ने दो बताया, शाही बच्ची ने दो बताया, अनु कुमार ने बी, फुखराज बी, गोपेश दो, राजाराम कविता व्हाइट फ्लाई, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो सारे के सारे हैं। प्रियंका दो, बी बी एफिड, विनीता चौधरी एफिड, जो अच्छा बेटा कुछ बच्चे एफिड की तरफ भी हैं। यहाँ पे दो बताया किरण ने भी, महादेव का लाला मैम इसी टाइप सही, अनु कुमार शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, हेड्स ऑफ, क्या बात है, अच्छी तैयारी आपकी है ना, गॉड ब्लेस यू। जोना शर्मा बी बी बी, चलो किसी बच्चे ने एफिड बताया था तो मैं एफिड का आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो व्हाइट फ्लाई जिसका नाम होता है इसका जो राइट आंसर होगा ना आपका, नो सर सफेद मक्खी, हाँ बेटा सफेद मक्खी है वो, है ना, तो सफेद मक्खी, बिल्कुल सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई को बोलते हैं। अगर एफिड की बात करूँ तो एफिड का देखना, जो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होगा, हाँ इसका नाम लिख देता हूँ, चलो मैं बेमिसिया टैबेसाई ये इसका नाम होता है, ये सफेद मक्खी इसमें वाहक का काम करती है, वाहक को जानते हो ना, किसी रोग को एक जगह से लेकर ये दूसरी जगह, और कौन सी रोग होते हैं ये वायरल या विषाणु जो करते हैं, जो विषाणु से रोग होते हैं, जो वायरस से होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला होता है, उसको वाहक या वेक्टर बोला जाता है। और जो ये कहे लीफ कर्ल है ये आपकी वायरल डिजीज है जिसको व्हाइट फ्लाई लग जाती है। एफिड माहू का बता दूँ, इसमें एक पपाया रिंग स्पॉट होता है, क्या होता है पपाया रिंग स्पॉट, नई डिजीज है, पीजी वाले बच्चों के लिए ज्यादा काम किया, जेट वाले बच्चों के लिए इतना डीप नहीं पूछेगा, पीजी वाले बच्चे देख ले कि पपाया रिंग स्पॉट का वेक्टर कौन सा होता है एफिड। और ये क्वेश्चन पीएचडी 2020 एंटोमोलॉजी में आया था, लास्ट ईयर जब मैं पीएचडी का एग्जाम देके आया था तो उसमें पपाया रिंग स्पॉट एफिड, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये क्वेश्चन पपाया रिंग स्पॉट का आपके आया था पीएचडी 2020 में, कि पपाया रिंग स्पॉट का वेक्टर कौन होता है एफिड होता है, बिल्कुल। चलो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, रिंग स्पॉट, हाँ बेटा रिंग स्पॉट भी बोला जाता है उसको ना, वेक्टर ऑफ लीफ कर लीजिए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 1 ग्राम सीड में पपीता के कितने बीज होते हैं, एफिड फॉर रिंग स्पॉट, अनु कुमार बिल्कुल बेटा यू आर एब्सोल्युटली राइट। सर मुझे लग रहा है क्वेश्चन का लेवल कम हो गया, क्या बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, क्या मानते हो भाई आप लोगों, क्या राय है, आप लोग इंटेलिजेंट हो गए या फिर मैंने क्वेश्चन ही जीते दिए, आप लोग बताएंगे मुझे। नितिशा सांकला ने 4 बताया यहाँ पे, सबसे पहले 1 ग्राम बीज में कितने बीज होते हैं, बी डी डी क्या बात है, 20 सीट, 4 पुखराज कुमार, हेमलता नागर, राजा राम टोंक 2 50 हैं, किशन एरा 4 20 4 क्या बात है, राजा राम नागर का अलग ही, राजा राम जाट के अलग ही आते हैं आंसर, डी आंसर आया यहाँ पे, 4 को लॉक कर दो सर जी, सोनू कुमार ने कहा है, ठीक है भाई आप कहते हैं 4 को लॉक कर देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं, हम पढ़ने लगे सर जी, साई सिंह, हाँ आप पढ़ने लगे बेटा, बिल्कुल मुझे भी ये मात मारने पड़ेगी, थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज, क्वेश्चन ईजी है सर, हेमलता नागर आप नहीं पढ़ने लगे, आप लोग भी पढ़ने लगे, क्वेश्चन इतने ईजी नहीं है ना, बाकी बच्चे के प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इस बात पे लाइक बटन को हिट कर दो, बिल्कुल लाइक को दबाना नहीं भूलें, किसी भी प्रकार की जो घंटा है ना उस घंटे को जरूर दबा के जाएं, क्वेश्चन ईजी है ना। चलो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 20, बस इसमें कोई समझाने की बात नहीं, राइट आंसर को मैं टिक कर देता हूँ, 20 आपका राइट आंसर होगा। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो कलर ऑफ पपाया ड्यू टू, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, जेंटोफिल
कैरिकाजेंथिन कैरोटीन। गुड इवनिंग भाई जी सरदार सिंह दुसाद, गुड इवनिंग जी। चलो सर वी अवॉइड सोशल मीडिया, सोनू चौधरी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ओ काम कौन करा कोनी पटवा को, अच्छा पटवा काम कौन करा, शायद ही मोर इंटेलिजेंट, हाँ शायद अच्छी बच्ची इंटेलिजेंट है बिल्कुल। दो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, बी 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 आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है जैसा कि वो, क्या बात है, और एक भी बंदे का गलत नहीं है, वाह भाई वाह। चलो मेरी तरफ से आप सबको एक सलाम बनता है ना, किसी का भी गलत नहीं है, दो को लॉक कर दो सर जी, बिल्कुल दो को लॉक कर दिया जाता है, मुझे कोई संदेह नहीं है किसी पे। और कैरिकाजेंथिन, और जैसा कि अगर मैं पपीता का लाल रंग पूछूँ तो क्या आएगा, अगर मैं पपीता का लाल रंग पूछूँ तो क्या आएगा, देखो पपीता में कैरोटीन की वजह से लाल रंग भी होता है सर, ऐसा ही होता है पपीता में लाल रंग कैरोटीन की वजह से होता है। गुड इवनिंग सर मुस्कान वर्मा, वेरी गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू नीतू। चलो आप लोग धन्यवाद देते रहे, हमारा क्वेश्चन हो गया, इसी के बाद में नेक्स्ट पे चलता हूँ कि स्प्रेइंग फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पपेन, कि पपेन के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है। अब आ गए हमारे राधे ने भी बताया, चलो एक बार आप फटाफट शेयर कर दो भैया ना, ऐसा नहीं हो कि आप लोग शेयर नहीं करके आए, मंजिल नहीं मिले आपको। लाइकोपिन एंथोसाइनिन, लाइकोपिन लाइकोपिन सर, संडे को भी क्लास लोगे क्या गर्विता शेखावत? बेटा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, कल देखते हैं, अभी तक तो हमें पिछले संडे तक तो लगती थी हमारी क्लासे, अब नेक्स्ट पे से आपका बता दिया जाएगा, स्ट्रीम डाल देंगे। अनिल कुमार यादव गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। अगर कल होगी तो आप एक बार विजिट कर ले पैक स्टडीज, आपको वहाँ पे स्ट्रीम लगी हुई मिल जाएगी अगर क्लास होगी तो। बाकी आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आज हमारा एक नया वीडियो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए रिलीज हुआ है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट रिलेट कर सकते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है एक बॉलीवुड से, तो बॉलीवुड में रियल लाइफ कैसी होती है, एग्रीकल्चर वालों की रियल लाइफ क्या होती है, वो आप अपेक्स स्टडीज के वीडियो पे मिल जाएगा। अभी जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसके लास्ट कोण में ऊपर देखोगे आई बटन आएगा ना, वहाँ आई बटन पे आपको सजेशन मिल जाएगा, क्लास खत्म होगी वहाँ पे भी आई बटन मिलेगा, आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं ना, मैं मान सकता हूँ इसको फनी मूड का वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा, उसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपके बीच में आ जाएगा। कल सुबह करंट अफेयर की क्लास होगी, वो स्ट्रीम डाल दी जाएगी आपकी, और हमारे डायरेक्टर सर हमारी रामबाण अतुल जी सर बिल्कुल आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आएंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो करंट अफेयर की क्लास ले लें कल सुबह, ठीक है, तो वो करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। और इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने आंसर नहीं पढ़ा, उसके लिए मुझे क्षमा करें आप, कि बच्चे को क्या आंसर आ रहे हैं, आपके यहाँ पे राइट आंसर आएगा बोथ, कि इथरेल और SO2 दोनों काम में ली जाती है, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों की सर इथरेल आंसर आए थे सी, बहुत बच्चों कम का आंसर आया था जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आया था ऐसी बात नहीं है, पर बहुत कम। मजेदार वीडियो है गुरुजी, बिल्कुल खेती महकमा, आप एक बार देखें आपको अच्छा लगेगा ना, आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है वो। तो यहाँ पे भैया इथरेल और SO2 दोनों के दोनों काम में ली जाती है, आपको याद रहें। कितने बजे कल सुबह शायद टाइम डाल दिया जाएगा, अभी पता नहीं है। गुड इवनिंग सर अतुल सर विथ पाना, हाँ अतुल सर पाना के साथ आएंगे, तो बहुत आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे। कल सुबह करंट अफेयर क्लास होगी, वो स्ट्रीम में भी डाल देंगे हम, आप चेक कर लें, शायद 8 बजे के समथिंग होगी मे बी। सर कितने बजे होगी कोई आइडिया? सर बिजी हैं अभी। चलो व्हाट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया? अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं, अब थोड़ा आप आ जाइए ना। कितने बजे सर? बेटा शायद 8 के समथिंग होगी, 8 से पहले तो नहीं हो पाएगी, है ना, तो 8 के समथिंग होगी, तो हम स्ट्रीम अभी डाल देंगे, आप विजिट कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी सर बाहर गए हैं, आएंगे तो मैं पूछ के कंफर्म कर दूंगा कितने बजे होगी। तो आपके जो उत्तर भारत में पपीता की खेती का सबसे सीमित कारक कौन सा है? टेम्परेचर या तापमान, बोल सकता हूँ वाटर लॉगिंग जो आपकी जल प्लावित अवस्था है, इसके बाद में फ्रोस्ट जो आपका पाला है, या सभी? इमरान खान गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग इमरान, बिल्कुल 3 नंबर 2 3 2 3 2 4 हैं। चलो नॉर्थ इंडिया का पता नहीं, मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन है, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन है। शायद टाइम क्या रहेगा मॉर्निंग में महेंद्र जी? शायद 8 बजे रहेगा महेंद्र जी, एक बार आप विजिट करते रहिए, है ना। फ्रोस्ट बता रहा है वेद प्रकाश 4 बताया यहाँ पे, बी फ्रोस्ट फ्रोस्ट पाला, इनका मतलब अगर किसी बच्चों को नहीं पता तो मैं यहाँ हिंदी लिख देता हूँ, ये तापमान है आपका, ये आपका जल प्लावित अवस्था है, ये आपका पाला है, और ये आपका सभी है ना। हिंदी लिखना भूल गए इनकी, कोई बात नहीं, फ्रोस्ट आई थिंक। चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, शंकर जी ने, नीतू ने, इन बच्चों ने बताया भी। आपके देखो नॉर्थ इंडिया में देखो भैया ओल कैसे आएगा, ओल कर रहे हो आप, थोड़ा सा सोचो कैसे करना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेता हूँ मैं,
आपको क्वेश्चन कैसे करना है आपने पढ़ लो इसको, कि व्हाट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ पपाया कल्टीवेशन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में तो बताओ नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है क्या और के कंपेरिजन में। चलो इसके बाद में वाटर लॉगिंग कंडीशन नॉर्थ इंडिया में क्रिएट होती है क्या इतनी। इसके बाद में पाला की बात करते हैं तो पाला सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, पाला सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में पड़ता है और आपकी जो पपीता है वो पाला के प्रति संवेदनशील है, पाला के प्रति सेंसिटिव है, वो ज्यादा सेंसिटिव है फ्रॉस्ट के। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नॉर्थ इंडिया के अंदर पाला। तो पाला के अंदर वैसे टेम्परेचर में होता नहीं है, थर्मोसेंसिटिव होती है पर उसका इफेक्ट लास्ट में जाके पड़ता लगता है, इतना ही पड़ता। और वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए भी क्या होती है, ये सेंसिटिव होती है पर वाटर लॉगिंग अपने इतने यहाँ होता ही नहीं है। अभी हमारे तो यहाँ टैंकर डलवा रहे हैं पानी पीने के लिए हैं 300 रुपये में, वाटर लॉगिंग कंडीशन कहाँ से कर दोगे आप, अगर है वाटर लॉगिंग तो एक तो मेरे डलवा दो, कहाँ से द वाटर लॉगिंग विल बी दैट एफिशिएंटली। हाँ तो हमारे तो पानी के टैंकर की कमी है भैया, किसी के पास हो तो यार मेरे से कॉन्टैक्ट करना है ना। हाय सुमन युवराज भी जाने, चलो कोई बात नहीं हाय कर लो आप, फ्रोस्ट आपका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छी बात है। चलो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है पपाया कि पपीता के जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो कौन सा है, पपेन है, पेप्सिन है, दोनों है या फिर कार्पिन है। सर सबसे पहले राइट आंसर गिवन बाय मी पुखराज कुमार, यू आर एब्सोल्यूट राइट। संवेदनशील का मतलब, संवेदनशील का मतलब सेंसिटिव बेटा, सेंसिटिव क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ के प्रति। जैसे ऐसे होता है ना कि बहुत से बच्चों के ऐसा होता है कि अगर उनको धूप में लेके जाओगे तो तुरंत जुकाम हो जाएगी, तो मतलब वो क्या है टेम्परेचर के सेंसिटिव है कि उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के पास, सबसे जल्दी अट्रैक्ट तो वो उसके लिए सेंसिटिव है। ठीक है, हेलो शेयर मनीष वर्मा, हेलो जी बिल्कुल आइए। एक एक ए आंसर आ रहा है यहाँ पे, पपेन 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 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कुछ बच्चों के दो आंसर भी आ रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पुखराज कुमार ने दो दिया, युवराज ने, कविता ने, कुछ बच्चों का एक भी आंसर है यहाँ पे, तीन भी आंसर आया है यहाँ पे, बी को लॉक किया गया है, बोथ भी आंसर किया है नीतू प्रजापत ने, मनीष नागर। चलो मैं यहाँ राइट आंसर बता देता हूँ आपको फटाफट, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है ना वो आपका ओनली पेप्सिन होता है भैया, पपेन नहीं होता। तो याद रखिए कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है, ओनली पेप्सिन, पपेन नहीं होता। दो को लॉक कर दो सर जी, बिल्कुल दो को लॉक कर दिया जाता है, राइट आंसर आपका क्या होगा, पेप्सिन, कि पेप्सिन इधर राइट आंसर, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है वो इसका क्या होता है, पेप्सिन होता है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि विच वैरायटी ऑफ पपाया डेवलप्ड ओनली फीमेल प्लांट, पपीता की किस किस्म में केवल मादा पौधे ही विकसित होते हैं, ताइवान में, सनराइज सोलो में, रेड लेडी में या किसी में नहीं। पेप्सिन फॉर प्रोटीन ब्रेकिंग, बिल्कुल पेप्सिन फॉर ब्रेकिंग, प्रोटीन ब्रेकिंग होता है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट आपके 72.2% की 72.2% प्रोटीन होता है ना। हाँ कोई बात नहीं, वाइट सब्सटेंस पपेन, हाँ बिल्कुल अनुकुमार बेटा, वाइट सब्सटेंस पपेन होता है और उसके अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है वो आपका पेप्सिन होता है। चलो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तीन तीन दो आंसर आ रहे हैं, रेड लेडी सनराइज सोलो, ताइवान और रेड लेडी में एक लाल औरत के अंदर और एक सूर्य अकेले सूर्य में, सनराइज सोलो ये हो गया, सनराइज सोलो एक अकेले सूर्य और एक रेड लेडी लाल औरत में और एक अकेले सूर्य में जंग चल रही है, देखता हूँ यहाँ लाल औरत जीती है, आज वाली पपाया होगा क्या प्रीत चौधरी, बिल्कुल बेटा पर डे एक क्रॉप का हो रहा है, मतलब आपका जो निचोड़ है इस क्रॉप का वो हमने दे दिया आपको, अब आपको दोबारा इसमें से लगभग क्वेश्चन नहीं, 99% का मेरा वादा है इसी में से मिलेंगे आपको ना, मतलब जो निचोड़ होता है वो सारी चीज़ आपको दी जा रही है, डोंट वरी। तो यहाँ पे रेड लेडी, बिल्कुल क्वेश्चनों का लेवल देखो 15 के बाद धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है ना और होता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता दूं तो आपका राइट आंसर होगा वो सनराइज सोलो होगा, लाल औरत नहीं जीत पाई सर, ऑल ही तो होंगे इसमें, कविता भी बताओ ताइवान नहीं बेटा, अरे नहीं 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 आप गाइनोडाइसियस और उनमें समझ रहे हो शायद है ना, यहाँ देखो पपीता किस में मादा पौधे ही विकसित होते हैं वो ताइवान, सनराइज सोलो, रेड लेडी, आप गाइनोडाइसियस के बेसिस पे समझ रहे हो बट ऐसा नहीं है, नाइस वे ऑफ टीचिंग नहीं तो बता, थैंक यू बेटा। चलो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना सनराइज सोलो होगा, मैं इतना बताऊँ देखो आपको इसमें मेल प्लांट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, वैसे वो गाइनोडाइसियस की कैटेगरी में होता है उसकी बात अलग है, पर यहाँ सिंपल अगर ये क्वेश्चन आता ना आपके कि किसमें केवल मादा पौधे ही मादा पौधों से ही विकसित होते हैं तो वो सोदेव सनराइज सोलो आएगा, दैट्स इट, वो गाइनोडाइसियस वाला फंडा यहाँ नहीं लगेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि पपीता की पहली ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ पपाया, CO5, सनअप, रेनबो या फिर कोई नहीं। हाँ सर बस बिल्कुल
सोनू सर पाना के साथ भी होता है। अरे भाई पाना हमारा काम हमारा है, वो पाना ना सोनू तेरा नहीं है वो। ओके सर चलो सर, नेक्स्ट क्लास में कौन सी क्रॉप आएगी? नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी, ये बता दी तो आप वही पढ़ के आओ। तो आपको इवोल्यूशन इवोल्यूट कैसे कर पाओगे महेंद्र जी आप खुद को? अगर मान लो ये करवाने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि 20 क्वेश्चन से आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। 20 क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि खुद को इवोल्यूएट कर रहे हो आप, खुद का पता लगा रहे हो, खुद का मूल्यांकन कर रहे हो, आप कहाँ हो, आप किस स्टैंड पे हो, आपको कौन से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से के नहीं आ रहे, आपको किन चीज़ों में वो कन्फ्यूजन है, किन चीज़ों में आपकी क्लियरिटी है, वो चीज़ें आपकी शो करती है ये 20 क्वेश्चन। ये मायना नहीं रखती, हम चाहें तो यहाँ पे आपको क्या करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं पूरे वन बाई वन पपाया करके, पर भैया वो चीज़ क्योंकि पढ़े हुए हो आप, बस इवोल्यूएट करना आपको, तो आप इवोल्यूएट करें डोंट वरी। ए ओके सर जी, तो पपीता की सबसे ट्रांसजेनिक किस्म है? सर यहाँ मैं आंसर नहीं देख पाया, बच्चे ए बता रहे हैं, CO5 है। किसी बच्चे का राइट आंसर भी आया क्या? दो नंबर अंकित राठौर ने बताया सर, एक सुमन यादव ने बताया, सुमन यादव ने सबसे ज्यादा कैरोटीन बताया, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा पुखराज कुमार, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से एक सैल्यूट पुखराज को, एक सुमन यादव को और एक इसके बाद में अंकित राठौर को, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी है ना इसकी, CO5 नहीं है, CO5 नहीं है इसकी फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी, आपकी सनअप है। कौन सी है? सनअप आपकी फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी है। ये रेनबो है ना, ये भी इसकी ट्रांसजेनिक वैरायटी है, रेनबो भी ट्रांसजेनिक वैरायटी। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आता है, पीजी लेवल का बताऊं, तो इसमें यह पूछेगा आपको कॉमर्शियल फर्स्ट ट्रांसजेनिक, कौन सी कि फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसजेनिक, अगर आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसजेनिक तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रेनबो। अगर सिंपली पूछ ले कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक तो आपका सनम, ठीक है, CO5 नहीं आएगा बच्चे, आप गलती ना करें, है ना। हाँ वो तो पपेन के लिए काम मिली जाती है ना, सबसे ज्यादा पपेन वाली काम में आती है वो, बिल्कुल। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वैरायटी यूज फॉर रूट टॉप कल्टिवेशन और हाई डेंसिटी प्लांटिंग, कि छत पर खेती करनी है, सघन खेती करनी है, तो कौन सी फसल काम में ली जाती है? उषा ड्वार्फ किस्म, उषा नन्हा, रेड लेडी या पूसा डेलीशियस। सनम खुशबू कुमाऊ, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, सनम आपकी फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी है पपाया की। आपको छत पे छत के ऊपर खेती करनी है, तो छत के ऊपर खेती करनी है मतलब वहाँ पे क्या लेके जाना पड़ेगा? खेत के लोग जाना पड़ेगा, खेत लगाना पड़ेगा, खेत में छत, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे दो 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 उषा नन्हा, क्या बात है भाई, एक भी बंदे का गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देवेश गौर दो, निशा नागर भी, नारायण दो, सुमन दो, खुशबू कुमाऊ चार, उषा डेलीशियस में आई है बच्ची। लॉ कौन कर रहा है यहाँ पे? सबसे पहले ही, सबसे पहले लॉ किसके द्वारा किया जाता है? एक बार आप सर से कंफर्म कर लो सुबह कितने बजे क्लास लगेगी बच्चों को बता दो। दो 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 दो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और उषा नन्हा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके इसको पोर्ट कल्चर के लिए भी, अगर देख लो यहाँ ऐसे भी आ जाए ना पोर्ट कल्चर के लिए, ठीक है। देखो क्या क्या चीजें बता दी आपको, किचन गार्डन के लिए भी पूछ लेते हैं आपको, किचन गार्डन बता दे, पोर्ट कल्चर बता दे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग बता दे, रूफ टॉप कल्टीवेशन, कोई सा भी बता दे, सबके अंदर कौन सी आएगी पूछा ना, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना। पोर्ट कल्चर आ जाए, किचन गार्डन आ जाए, रूफ टॉप कल्टीवेशन आ जाए, या हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब सघन खेती, सघन खेती मतलब पास पास में लगाएंगे, तो इसमें कितनी सघन की दूरी कितनी होती है? 1.25 × 1.25 मीटर, यही होती है दूरी। पौधे कितने होते हैं? लगभग आपके 6400 के समथिंग इसके अंदर पौधे होते हैं, ये आपके जनरल। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो यही पूछा जाएगा कि पोर्ट कल्चर, किचन गार्डन, रूफ टॉप कल्टीवेशन, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी वैरायटी, उषा नन्हा कितनी लेते हैं 1.25 × 1.25 मीटर, और कितने पौधे होंगे आपके 6400 की समथिंग, कई जगह आपको 6000 भी मिल जाए तो उसमें भी कन्फ्यूजन होना, 6000 या 6400 एक ही बात, ठीक है भैया। चलो और मैं आपको बता दूं, कल सुबह आपकी गमले के लिए, अच्छा गमले के लिए पोर्ट कल्चर, बिल्कुल बेटा गमले के लिए होते हैं पोर्ट कल्चर, है ना, उसी का मतलब होता है गमले के, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और कल सुबह आपकी जो उसकी क्लास लगेगी ना करंट अफेयर की, वो 8 बजे लगेगी, अतुल सर लेंगे, साई सिंह घाटा 6000 प्लांट पर एक है बेटा, हाँ 6400 और 6000 दोनों में कन्फ्यूज है, दोनों में कोई सा भी आ जाए तो आप कर लेना, और फिर भी ज़्यादा कन्फ्यूज रहे तो 10000 में 10000 × 100 = 1.25 × 1.25 कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे बिल्कुल। विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन पपाया, कि पपाया में किस प्रकार परागण होता है, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, एनिमोफिली या एक में सी दोनों, ऑर्निथोफिली या एनिमोफिली किस प्रकार का होता है? कल सुबह आपकी 8 बजे क्लास लगेगी,
क्लास के लास्ट में आपको आज के वीडियो का आई बटन दे दिया जाएगा, जो मजे वाला वीडियो है उसका सेकंड पार्ट जल्दी आपके बीच में आएगा। बी एंटो से क्रॉस पोलिनेशन, बिल्कुल बेटा क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर करवाता कौन है उसके अंदर? जो क्रॉस पोलिनेशन करवाता है कोई ना कोई तो करवाता होगा, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन खुद पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना कोई उसके अंदर वैक्टर के रूप में काम करेगा। तो कौन करता है उसमें वैक्टर के रूप में काम? हाँ सोनू पाना सर लेंगे, है ना, ज्यादा इतना बताओ। चलो बी को लो कर दो सर, बी को लो को मतलब एंटोमोफिली। सीको शिवम शेखर जी ने सी बताया, क्या बात है बेटा, एनिमोफिली है। चलो बहुत अच्छी बात है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ बी आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, बी को लो। हेलो सर, संतोष जरवाला हेलो, कैसे हैं, आइए आपका स्वागत है प्रेस्टीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस एग्रीकल्चर सवाल जवाब में हनी भी शंकर, तीन बताए यहाँ पे शंकर ने, बी चलो मुझे कुछ ही, एक शिवम शेखर, एक संपत्ति और एक शंकर, इनका मतलब ही नहीं पता। हम बताएंगे ना आपको सर एग्जाम कब करवा रहे हो राजा राम जी। अरे राजा राम सर पहले आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम लीजिए, आप दंडवत प्रणाम, है ना। एग्जाम हमारी है अभी, बच्चों की पोस्टपोन होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बच्चों को गोल्डन टाइम मिला है बिल्कुल यूटिलाइजेशन के, आप सजेस्ट करें बच्चों को, आपकी गाइडलाइन के लिए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और कोर्स के बारे में बताएंगे। चलो यहाँ मैं बता देता हूँ इसका मतलब, इसका राइट आंसर बताता हूँ, पहले इनका मतलब भी समझाता हूँ। कविता बोलिए सर हमें मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं हम आपको समझाते हैं। राइट आंसर आपका एनिमोफिली, देखो क्वेश्चन घुमा के आता है ना वो ये आता है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखो ऑर्निथोफिली का मतलब होता है कि जितने भी आपके जो बर्ड्स वगैरह हैं या जो जानवर हैं, या तो बर्ड्स की बात कर लूँ मैं तो बर्ड्स की कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं, कि जितनी आज सर सही पढ़ाया है स्पीड में, थैंक यू बेटा। देखो आप एक बार थोड़ा सा फोकस करो एक बार, और नहीं तो फिली क्या होती है कि जो बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है, कि ऐसे पौधे जिनमें पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन, पक्षियों के द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, तो आपका क्या कहलाता है वो ओरनिथोफिली। और एंटोमोफिली जिसमें इंसेक्ट के द्वारा या कीटों के द्वारा, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि हनीबी या फिर हाउस फ्लाई वगैरह, हाउस फ्लाई जैसे मैंगो के अंदर होती है, हनीबी के अंदर बहुत, हनीबी के अंदर तो बहुत में करती है, तो वो सब एंटोमोफिली में आते हैं। एनिमोफिली का मतलब जिसमें हवा के द्वारा, किसके द्वारा, वाइंड के द्वारा, हवा के द्वारा, तो हवा पपीता के अंदर किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पपीता में किसके द्वारा होता है, वाइंड के द्वारा, हवा के द्वारा, तो एनिमोफिली कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एनिमोफिली। सबको पता है हवा के द्वारा होता है, बट याद रखें कि एनिमोफिली कहलाएगा। बबलू गोस्वामी एद्रेट पूजा, क्या बात है बेटा। और आपका कोर्स बता दूं मैं प्री पीजी का, अभी कोर्स आपके 2,970 रुपये का, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर यू, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। और अभी जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं उनके लिए आपको जो बुक है हमारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अभी जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं शायद एक दिन का और है उसके अंदर, तो उनके अंदर सबके लिए बुक फ्री है, प्रैक्टिस सेट फ्री हैं, आप परचेज कर सकते हैं प्री पीजी वाले बच्चों के लिए। जेट वाले बच्चों के लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। सर जी स्पीड में पढ़ाया करो प्लीज़, जहाँ ठोको मैं बिल्कुल बिल, आप मैंने 8:48 भी पूरी कर दी। करंट अफेयर की क्लास हमें भी लेनी चाहिए क्या, कविता यादव? बिल्कुल आप एक बार ले लें, उसमें थोड़ा सा हायर लेवल का है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको करंट अफेयर में अगर ट्यूशन आ गया तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बिल्कुल एग्रीकल्चर की अपडेट की है, तो एग्रीकल्चर अपडेट की तो आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन, थैंक यू, गुड इवनिंग जय सर अतुल सर, सेम खान गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल। तो जो जो भी इच्छुक इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो बिल्कुल करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। जय पबजी सोनू, जय पबजी डेली सी स्पीड में पढ़ाया करो सर प्लीज़ 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 जानपन को। अरे ठीक भैया, आपका वो जो सुझाव है वो हमारे लिए सराहनीय है, हमारे सर पे। सर प्री पी जी की क्लास भी लगा दीजिए प्लीज़, टेस्ट ऑनलाइन यूट्यूब पे, संतोष जरवाला। बेटा कल सुबह आपके प्री पी जी के लिए करंट अफेयर की क्लास होगी, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, बेनिफिशियल है, कहीं कोई कुछ नहीं करा था, करंट अफेयर करवाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, फर्जीवाड़ा 1% किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं। और भी क्लास लेनी होती है इसलिए जाट बन करा, ठीक है भैया आपकी मान ली बात। पिया तो गुड नाइट, बिल्कुल गुड नाइट, ओके सर थैंक यू, गुड नाइट सर, बिल्कुल गुड नाइट बेटा, बहुत अच्छा सर आज इस वीडियो में पढ़ाया है, विनय यादव थैंक यू बेटा, गुड नाइट, बिल्कुल गुड नाइट, टेक केयर देवचंद्रास्वी, गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, बिल्कुल शुभ रात्रि। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। आपको कोर्स परचेज करना है आप अपा स्टडीज का ब्राउजर कर सकते हैं सर, मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाइए प्लीज़। सेम खान किसके चाहिए भैया आपको, सेम खान बता दीजिए, आप सर को पास मैसेज कर दीजिए, गुड नाइट। और इसी के साथ मैं आज का आप लोगों का सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग कंटिन्यू बने रहे, थैंक यू फॉर बी ऑनलाइन, ऐसे ही रोज मिलते रहेंगे शाम 8 बजे।